नमस्कार दोस्तों, ये डेटा क्या कहता है कि एक नए एपिसोड में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं हूं अजय प्रकाश। आज के इस एपिसोड में मैं आपको कुछ ऐसा डेटा दिखाने जा रहा हूं जो शायद किसी और चैनल पर आपने नहीं देखा होगा। मैं बात करूंगा थोड़ा सा कर्नाटक के बारे में और वहां पर कांग्रेस की जीत का कारण क्या था। मैं आपको ये दिखाऊंगा कि कांग्रेस की जीत का एक बहुत बड़ा कारण हमारा पिछड़े वर्ग के लोग और गरीब तबके के लोग, उन्होंने कांग्रेस को ज्यादा वोट दिया है। वैसे तो ऐसा माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी केवल अमीर लोगों के लिए ही काम करती है, लेकिन इस पॉलिसी की वजह से अब जमीन पर हालात कुछ ऐसे बनने लगे हैं जिसकी सुगंध आरएसएस को तो आ चुकी है, लेकिन अभी बीजेपी को ये रियलाइजेशन नहीं हो रहा है। अभी भी मोदी जी लगे हैं वंदे भारत गाड़ियां चलाने में। अब जो एक आदमी दिन का 400-500 रुपया कमाता है, और ऐसे करोड़ों लोग हैं हमारे देश में, उन्हें न वंदे भारत से मतलब है, न जीडीपी से मतलब है, न हमारे एक्सपोर्ट से मतलब है। उनको मतलब है तो केवल इस बात का कि आज का वो खाना खा पाएंगे या नहीं। औसतन हमारे खाद्य पदार्थों पर इन्फ्लेशन रेट लगभग 4.5% रहा है 2014 से लेकर आज तक 2023 में। इसका ये मतलब है कि जो चीज़ जनवरी 2013 में 100 रुपए की आती थी, वो लगभग अब 170 रुपए की आती है। लेकिन इस महंगाई को बीजेपी वाले मानने से बिल्कुल इनकार करते रहते हैं। मोदी जी तो खैर बात ही नहीं करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा पिछले कुछ महीनों से निर्मला सीतारामन जी भी सीन पर नहीं दिखती हैं, और उधर रिजर्व बैंक की तरफ से तो कोई टिप्पणी महंगाई पर आती ही नहीं है, केवल इन्फ्लेशन के फिगर्स वो देते रहते हैं। 4.5% फूड पर इन्फ्लेशन एक एवरेज रेट था, लेकिन अगर आप देखेंगे ये पैंडेमिक के बाद 2021 में और 22 में ये सबसे ज्यादा रहा है, यहाँ तक कि ये 15% एक महीने में भी पहुंच चुका है। और मैं सब्जियां वगैरह टमाटर इत्यादि उसकी बात नहीं करूंगा, क्योंकि ये एक सीजनल फ्लक्चुएशन रहता ही है। इधर एक और चीज आपने शायद नोटिस की होगी कि बाजार में जिन चीजों के रेट नहीं बढ़े हैं, उन चीजों की क्वांटिटी कम कर दी गई है। पैकिंग ऊपर से वैसी की वैसी रखी है, लेकिन उनका वजन उसमें कम कर दिया गया है। कांग्रेस की प्रवक्ता और सोशल मीडिया इंचार्ज सुप्रिया श्रीनेत का अभी 4-5 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें उन्होंने वो पैकेट्स बाजार से लाके और वो सबको दिखाए थे। उन्होंने दिखाया कि किस तरह से ग्लूकोज का बिस्किट जो 5 रुपए में पहले 80 ग्राम आता था, वो उसी पैकिंग में अब 50 ग्राम हो गया है। चाय की पत्ती जो पहले 250 ग्राम आती थी 50 रुपए में, वो अब 70 रुपए में 200 ग्राम कर दी गई है। नमकीन के पैकेट जो पहले 65 ग्राम पैकिंग आती थी, वो अब 32 ग्राम। इसी तरह से उन्होंने कई चीजों का उसमें जिक्र किया है। आप अगर नेट पर ढूंढेंगे तो ये वीडियो आपको मिल जाएगा। अब आप अपने घर में ही खुद देख लीजिए कि पिछले 1-2 साल में कुछ चीजें काफी महंगी हो गई हैं, जैसे कि डॉक्टर की फीस ऑलमोस्ट 1.5 गुना हो गई है, दवाइयाँ 20 से 25% वो बढ़ गई हैं। ग्रोसरी बिल का मैंने जिक्र कर दिया है, उसमें डेली की जो एसेंशियल चीज़ें हैं वो आ जाती हैं। इंश्योरेंस सर्विसेज बढ़ गई हैं, आप लोगों ने शायद नोट नहीं किया हो, जितना आप पहले गाड़ी का या स्कूटर का या हेल्थ इंश्योरेंस देते थे, उसमें 20% की वृद्धि हो चुकी है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, आप हवाई जहाज का या ट्रेन का फेयर देख लीजिए, वो भी 20 से 25% बढ़ चुका है। बच्चों के स्कूल की फीस, मोबाइल बिल, कहने का मतलब ये है कि हर चीज बढ़ चुकी है। अगर हम लोगों को इसका प्रभाव पड़ रहा है या अफेक्ट पड़ रहा है, तो गरीब लोगों का क्या हाल होगा, जरा सा सोचिए। और इलेक्शन आने पर ये लोग किधर वोट करेंगे, क्या ये बीजेपी को वोट करेंगे? आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा चैनल ये डेटा क्या कहता है या व्हाट डज दिस डेटा से फिलहाल बिल्कुल फ्री है। इसका हम कोई चार्ज नहीं लेते हैं, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है। आप लोगों से केवल एक रिक्वेस्ट है, एक निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, और अगर ये एपिसोड अच्छा लगे
तो अपने दोस्तों के साथ भी कृपया शेयर करिए। अब चलते हैं कर्नाटक की तरफ। मैं वहां का जो हाल ही में इलेक्शन हुए हैं उसका डेटा आपको एनालाइज करके दिखाऊंगा। हम ये देखेंगे कि कर्नाटक का जो बैकवर्ड एरियाज हैं वो कितने हैं और वहां पे वोट्स का रुझान किस पार्टी की तरफ ज़्यादा रहा है, और ये भी फिर देखेंगे कि कर्नाटक में शहरों में वोट किस पार्टी को ज़्यादा गए थे। कर्नाटक के चुनावों की एक मैं जल्दी से आपको समरी दिखा देता हूँ, जो रिजल्ट अभी मई में आए थे। कर्नाटक असेंबली में कुल 224 सीट्स हैं, उसमें से कांग्रेस ने 135 सीट जीती थी। कांग्रेस का एवरेज विन मार्जिन 22,380 वोट था। बीजेपी को 66 सीट्स मिली थी, उनका एवरेज विन मार्जिन 20,026 था, जो कि कांग्रेस से लगभग 10% कम था। जेडीएस को 19 सीट्स मिली थी, उनका विन मार्जिन सबसे कम था 14,633 वोट्स का। कर्नाटक में कांग्रेस की एक काफी स्ट्रॉन्ग वहां पर जीत रही थी, जिसको इंग्लिश में रिसाउंडिंग विक्ट्री थी। उन्होंने बीजेपी को काफी बुरी तरह से वहां हराया था, मार्जिन भी अच्छा खासा था। कांग्रेस ने जो 135 सीट जीती थी उसमें से 103 सीट बीजेपी के खिलाफ जीती थी, जहां पे विन मार्जिन वो 22,000 के ऊपर ही रहा है, और 26 सीट उसने जेडीएस के खिलाफ जीती थी, जहां पे भी विन मार्जिन 20,000 के ऊपर रहा है। इधर बीजेपी ने कांग्रेस को हराया था 54 जगह 54 सीट्स पर, विन मार्जिन 21,000 के ऊपर रहा, और जेडीएस को हराया था 6 जगह। अब थोड़ा सा कर्नाटक के बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में बात करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पर ये मैप है जो दिखाता है कौन सी पार्टी किस जगह कर्नाटक में जीती थी। ये कलर कोडेड है, बीजेपी यहाँ पर ऑरेंज रंग में दिखाई गई है, कांग्रेस नीले रंग में, जेडीएस हरे रंग में, और अन्य सभी ये ग्रे कलर में यहाँ दिखाया गया है। सीधे हाथ पर कर्नाटक का मैप है और ये कलर्स में वो डिस्ट्रिक्ट दिखाए हैं जो वहाँ के कल्याण कर्नाटका रीजन के अंतर्गत आते हैं। कल्याण कर्नाटका रीजन कर्नाटक का सबसे ज़्यादा पिछड़ा इलाका है। इससे पहले हैदराबाद कर्नाटक भी बोलते थे, क्योंकि ये इलाके निज़ाम के रूल के अंदर थे, और जब रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था हैदराबाद स्टेट का तब ये कर्नाटक में जोड़ दिए गए थे। ये सबसे ज़्यादा पिछड़े ज़िले हैं बिदार, गुलबर्गा, उसके बाद रायचूर, कोप्पल, यादगिरी और बेल्लारी। तो अगर आप ये दोनों मैप्स कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर इन पिछड़े इलाकों में कांग्रेस की ही जीत हुई है। थोड़ा बहुत जहां बीजेपी जीती है वो है गुलबर्गा के इलाके, वहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन लगभग 29% है, और दूसरा जहां पे बीजेपी ज़्यादा जीती है वो कोस्टल कर्नाटका का इलाका है, जहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन करीब 24% है। वैसे कर्नाटक में मुस्लिम पॉपुलेशन की परसेंटेज लगभग 13% है। अब इन इलाकों में बीजेपी क्यों जीतती है वो एक राजनीतिक सवाल है, उस पर मैं यहाँ पर टिप्पणी नहीं करूँगा। फेडरेशन ऑफ कर्नाटका चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इनकी वेबसाइट पर अगर आप देखेंगे, लिंक यहाँ पर मैंने दे रखा है, इन्होंने पूरे कर्नाटका के तालुकों को 3 जोन में डिवाइड किया है, मोस्ट बैकवर्ड तालुक्स, मोर बैकवर्ड एंड बैकवर्ड, और उसके बाद अन्य सभी। तो ये टेबल आपको इनकी साइट पर मिल जाएगा, और इसी डेटा को लेकर मैंने इलेक्शंस के रिजल्ट्स का एनालिसिस किया है। कर्नाटका चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हिसाब से 240 तालुक हैं कर्नाटक में। ये तालुक वही होता है जो नॉर्थ इंडिया में मेरे ख्याल से उसको तहसील बोलते हैं। कर्नाटक में 224 असेंबली सीट्स थे, तो लगभग एक सीट और एक ताल्लुक का ऑलमोस्ट 1:1 रिलेशनशिप है। तो मैंने चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तालुकों की लिस्ट को लेकर मैप करके ये निकाला है कि कौन से लेजिस्लेटिव असेंबली सीट किस इलाके में पड़ती हैं। तो उस हिसाब से मोस्ट बैकवर्ड एरिया में 120 सीट आती हैं, मोर बैकवर्ड इलाके में 68 और बैकवर्ड इलाके में 4, अन्य इलाके जितने भी हैं जो शहरी इलाके हैं ज़्यादातर उसमें 32 सीट।
तो कुल मिलाकर इस हिसाब से 224 सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन बनता है। तो 190 तालुक 240 में से वो बैकवर्ड, मोस्ट बैकवर्ड या मोर बैकवर्ड कैटेगरी में आते हैं। तो ये लगभग कर्नाटक का 80% हिस्सा या एरिया ये बैकवर्ड एरियाज में है। इन तालुक के बैकवर्डनेस का डेटा आपको काफ़ी मिल जाएगा। मैंने सिर्फ एक ही न्यूज़ आइटम यहाँ दिखाया है कि कैसे 10,000 लोगों के पीछे केवल एक ही डॉक्टर है इन सब जगह। मैं आपको दूसरा न्यूज़ आइटम दिखाना चाहता हूँ जो मार्च 5, 2022 को इंडियन एक्सप्रेस में ये छपा था। उस समय कर्नाटक सरकार यानी कि बोम्मई जी वहाँ पे मुख्यमंत्री थे, चुनाव अगले महीने होने वाले थे, तब उनको याद आया कि बैकवर्ड तालुक हम आइडेंटिफाई कर लें। लेकिन ये काम तो बहुत पहले से चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कर रखा था। तो इससे आपको ये पता चल सकता है कि कितना ध्यान बीजेपी सरकार पिछड़े वर्ग और गरीब वर्गों पर देती है। जब चुनाव आता है तब उन्हें एकदम से ये चीज़ें याद आने लगती हैं। अब देखिए कर्नाटक के असेंबली के रिजल्ट्स, जिसमें मैंने उन सीट्स को मैप किया है बैकवर्ड इलाके में, मोस्ट बैकवर्ड, मोर बैकवर्ड, उन सब इलाके में मैप करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। मोस्ट बैकवर्ड इलाकों में 120 असेंबली सीट्स आती हैं। कांग्रेस ने इनमें से 79 सीट, 79 वर वन बाई कांग्रेस, 31 सीट्स वर वन बाई बीजेपी, जेडीएस ने 8 सीट जीती और अन्य सभी इंडिपेंडेंट और अदर्स ने 2 सीट। मोर बैकवर्ड इलाके में 68 सीट्स आती हैं, उसमें से 38 कांग्रेस को मिली, 18 बीजेपी को और 10 जेडीएस को, अन्य को 2। बैकवर्ड इलाके में 4 सीट्स आती हैं, उसमें से 3 कांग्रेस ने जीती, 1 जेडीएस ने, बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली। और अन्य सभी जो कि फॉरवर्ड इलाके हैं वहाँ पे 32 सीट्स हैं, उसमें से कांग्रेस को 15 मिली और बीजेपी को 17 सीट्स। यही डेटा प्रतिशत यानी परसेंटेज के तौर पर मैं आपको दिखाता हूँ। मोस्ट बैकवर्ड एरिया में कांग्रेस को 66%, मोर बैकवर्ड में 56, बैकवर्ड यहाँ पे डेटा बहुत कम है इसलिए इसको मैं नेग्लेक्ट करूँगा, और अन्य फॉरवर्ड डिस्ट्रिक्ट में या सीट्स में 47%, 47%। बीजेपी को मोस्ट बैकवर्ड एरिया में 26% मिले, मोर बैकवर्ड में भी 36 मिले, बैकवर्ड में एक भी सीट नहीं, लेकिन फॉरवर्ड यानी डिस्ट्रिक्ट्स में 53%, 53%। तो इसका ग्राफ बहुत ही इंटरेस्टिंग बनता है, थोड़ा सा देखिए। सबसे पहले नीले रंग में कांग्रेस का देखिए, मोस्ट बैकवर्ड एरियाज में 66% सीट्स मिली, मोर बैकवर्ड में 56 और जो अन्य अर्बन एरियाज या फॉरवर्ड डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें 47। ये ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन की तरह ये ग्राफ है, यानी कि जैसे जैसे कांग्रेस शहरों की तरफ आती है उसको कम वोट्स मिलते हैं, लेकिन जहां बैकवर्ड और गरीबी ज़्यादा है उन लोगों का विश्वास कांग्रेस की तरफ ज़्यादा रहता है। उधर बीजेपी बिल्कुल उल्टा है, जो पिछड़े इलाके हैं और जहां पे गरीबी ज़्यादा है वहां पे वो 1/4 से ज़्यादा सीट्स नहीं जीत पाती है, लेकिन शहरों में जहाँ पे थोड़ा सा लोगों के पास पैसा ज़्यादा है वहाँ पे वो 50% से ज़्यादा सीट्स जीती थी। और जेडीएस का कोई खास ट्रेंड नहीं है, लेकिन ये भी पिछड़े इलाके में ही इन्होंने सीट्स जीती थी, इसलिए इन्होंने इस बार कर्नाटक में कांग्रेस का नुकसान ज़्यादा किया है। तो ये था कर्नाटक का डेटा, जिसमें आपने देखा कि जो पिछड़े इलाके हैं जहाँ गरीबी ज़्यादा है उन लोगों ने कांग्रेस को ज़्यादा वोट दिया। अगर यही ट्रेंड आने वाले चुनावों में 2024 में लोकसभा के चुनाव में यही ट्रेंड रहता है तो एक बार चलते चलते मैं आपको ये डेटा दिखाता हूँ कि उसका असर उस चुनाव पर क्या पड़ेगा। हमारे देश में इस वक्त 764 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसमें से बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स जो क्लासिफाइड हैं वो हैं 344 यानी कि 45%, और एजुकेशनली बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं 374 यानी कि 49%। ये सारा डेटा लोकसभा में पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया गया था, किसी ने एक क्वेश्चन पूछा था उसके जवाब में ये डेटा दिया गया था। लोकसभा में 543 सीट्स हैं और एवरेज डिस्ट्रिक्ट पर लोकसभा सीट
इस हिसाब से बनता है 1.4। तो अगर हम ये मान के चलें कि देश में लगभग 50% हमारे जिले बैकवर्ड हैं, तो उस हिसाब से 272 सीट्स हमारे यहाँ लोकसभा में पिछड़े इलाकों से आती हैं। उसमें से कांग्रेस अगर 60% सीट्स पर वो विजयी होती है तो उसको 163 सीट्स मिलेंगी, 163। अब बाकी सीट्स बची हैं 380, उसमें से 55% बीजेपी को मिलेंगी। ये कर्नाटका का परसेंटेज में यूज़ कर रहा हूँ, तो उस हिसाब से 209 सीट्स बीजेपी को मिलेंगी। तो टोटल सीट्स 543, उसमें से कांग्रेस 163, बीजेपी 209, तो बाकी बची 171 सीट। इनमें बाकी सारी पार्टियां, उसमें कांग्रेस, बीजेपी, अन्य सभी दल, इन सीट्स पर उनकी उनकी फाइट होगी। तो घूम फिर के बीजेपी का फिर से वही एक फिगर बनता जा रहा है, 200 से 240 के बीच में सीट्स आने का। और अगर ऐसा हुआ तो उसे अन्य पार्टियों का समर्थन चाहिए, और अगर समर्थन चाहिए तो क्या वो पार्टीज मोदी जी को एज ए प्राइम मिनिस्टर वो सपोर्ट करेंगे। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मैं आपके सामने आऊँगा कुछ नया डेटा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।